अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ वेव। अभी तक हमने वेव इक्वेशन की बात की, वेव स्पीड की बात की, पार्टिकल स्पीड की बात की, अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी कितनी है एक वेव में, कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस की उसमें कितनी एनर्जी है। दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल कैसे है, स्ट्रिंग डिफॉर्म हो रही है, स्ट्रिंग को डिफॉर्म कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन के वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो देखते हैं कैसे कैसे इसमें एनर्जी होगी। स्ट्रिंग का शेप हम बना रहे हैं यहां पर, ऐसा। ठीक है, अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचें। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है पार्टिकल स्पीड पर, और हमने कहा था पार्टिकल स्पीड डिपेंड करती है स्लोप पर। वेव में पार्टिकल स्पीड कितनी होती है, हमने कहा था टेन थीटा इज इक्वल टू वीपी अपॉन वीडब्ल्यू। तो जहां पर थीटा ज्यादा है, जहां पर स्लोप ज्यादा है, वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। तो इस जगह पर स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर स्लोप बड़ा है तो यहां पर वी भी बड़ा होगा, यहां पर वी छोटा होगा। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा स्ट्रिंग का, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो होगी वो बहुत बहुत कम होगी, क्योंकि यहां पर स्पीड बहुत कम है पार्टिकल्स की। और वही पोर्शन अगर हम यहां पर कंसीडर करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ यहां पर ज्यादा होगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी छोटी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, डिफॉर्मेशन पर। डिफॉर्मेशन कहां पर ज्यादा हो रहा है, यहां पर हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, ऐसा। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट कंसीडर किया हमने, ये यहां पर चला गया, ये यहां पर चला गया, इसके लेंथ में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, जितनी लेंथ यहां थी उतनी लेंथ यहां पर है। लेकिन वही पार्ट अगर हम यहां पर कंसीडर करेंगे तो ये यहां पर चले जाएगा और इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा लेंथ का जो इंक्रीज आ रहा है वो इस जगह पर ही आएगा जहां पर स्लोप ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा लेंथ में चेंज, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है यहां पर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जहां काइनेटिक एनर्जी कम है वहीं पोटेंशियल एनर्जी कम है, किसमें, सिंपल हार्मोनिक वेव में, ऐसा हम कह सकते हैं। और इन जनरल कोई और भी वेव लेंगे तो जहां पर स्लोप पर ही दोनों डिपेंड कर रहे हैं, स्लोप ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्लोप ज्यादा डिफॉर्मेशन ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जहां पर स्लोप ज्यादा होगा वहां पर टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगी। ये तो हमने एक क्वालिटेटिव एनालिसिस किया कि किस पार्ट में ज्यादा एनर्जी है, किस पार्ट में कम एनर्जी, कौन सी वेव में, ट्रेवलिंग वेव में। स्टेशनरी वेव की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलिंग वेव की। तो ट्रेवलिंग वेव में उस जगह पर एनर्जी ज्यादा होगी जहां पर स्लोप ज्यादा होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं।
वैसे हालांकि हम उतना लेंथी डेरिवेशन करेंगे नहीं, सीधे हम उसका एक शॉर्टकट हम लिख देंगे. हर पार्टिकल SHM कर रहा है और SHM की टोटल एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, तो हर पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट में एक एक डीएक्स 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 के एलिमेंट लें, उनको पार्टिकल मान लें और हाफ डीएम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से उसकी एनर्जी लिखें, उसको इंटीग्रेट कर दें. ठीक है, तो उससे हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी. तो अब हम टोटल एनर्जी इसकी जो लिख रहे हैं तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी एनर्जी, टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी है वन अपॉन टू. फटाफट से हम देखो कैसे लिखते हैं, इस पूरे की लेंथ कितनी है, एक वेव लेंथ की हम टोटल एनर्जी लिखना चाह रहे हैं. एक वेव लेंथ की लेंथ कितनी है, लैम्डा, तो इसका मास कितना हो जाएगा, म्यू लैम्डा. मास हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एनर्जी आ गई. एनर्जी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर मिल जाएगी. मान लो यहां पर हमने कोई रिसीवर रखा हुआ है जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर जो रिसीवर रखा है उसको ये पूरे वेवलेंथ की एनर्जी मिलने में एक टाइम पीरियड लगेगा. तो हम ऐसा कह सकते हैं पी एवरेज E by T. इस म्यू लैम्डा को भी और कई तरह से हम लिख सकते हैं, वन अपॉन टू म्यू लैम्डा को हमने लिखा था रो इंटू एस, वन अपॉन टू सॉरी लैम्डा को नहीं, म्यू को लिखा था हमने रो इंटू एस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर. ठीक है, अब यहां से E by T अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1 upon 2 rho s lambda omega square a square upon T. lambda by T को V wave लिख सकते हैं, 1 upon 2 rho s V wave omega square ए स्क्वायर. उसके बाद अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दें तो इंटेंसिटी मिल जाएगी. इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, वन अपॉन टू एस कैंसिल हो जाएगा एरिया से डिवाइड करने पर, रो वी वेव ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले आ जाएंगे. तो ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं और याद रखने का सबसे आसान तरीका हमने जिस तरह से इनको लिखा है वो एक तरीका बहुत बढ़िया है याद रखने का. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखना है, एक वेवलेंथ का मास म्यू इंटू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टाइम से डिवाइड कर दोगे पावर आ जाएगी, पावर को एरिया से डिवाइड कर दोगे इंटेंसिटी आ जाएगी. ये ध्यान रखना है कि यहां पर ए एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस ये टेस्ट किया जा रहा है कि फॉर्मूला हमें याद है या नहीं है. तो फॉर्मूला हमें याद है तो हम उसका क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे. कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एरिया को डबल कर दें सॉरी एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो एनर्जी का क्या होगा, इंटेंसिटी का क्या होगा, पावर का क्या होगा, फोर टाइम्स हो जाएंगे. ठीक है, और भी कई चीजें हैं जिनको वेरी करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट कर लें इसको. अब ये हमने लिख दिया यहां पर, अगर हमें ये तो हमने टोटल लिखा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो SHM में हम जानते हैं कि
कभी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और कभी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, जो कभी पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी काइनेटिक में ऐसे कन्वर्ट होते रहेंगी। तो अगर हम पोटेंशियल और काइनेटिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हाफ कर दें, टू से डिवाइड कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/4, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। टोटल कितनी है, 1/2। पोटेंशियल चाहिए एवरेज 1/4, काइनेटिक चाहिए एवरेज 1/4, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके वजह से अगर पावर जनरली, उसके वजह से पावर इंटेंसिटी जनरली टोटल के पूछी जाती है, ठीक है। तो वो तो टोटल एनर्जी जरूर हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसमें एक वेवलेंथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो पूरे एक वेवलेंथ की ना पूछी जाए, कुछ पार्ट की पूछी जाए, तो फिर क्या करेंगे, यहां से एक्स पर जाएंगे, डीएक्स एलिमेंट बनाएंगे, उस डीएक्स का डीएम लिखेंगे, उसकी वेलोसिटी लिखेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, वेव इक्वेशन है, dy by dt करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, हाफ dm vp स्क्वायर करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। पर जनरली इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, बहुत सिंपल सा पूछा जाता है कि किसी क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें हमको बताना है किस पार्ट में मैक्सिमम पोटेंशियल, किस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, किस पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, किस पार्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एक्स वाई। ये एक वेव है, इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, किस पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे, जहां पर स्लोप ज्यादा वहां पर एनर्जी ज्यादा, यहां पर स्लोप ज्यादा है तो इस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसमें दोनों जीरो होंगे, स्लोप जीरो है, ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी ना कोई काइनेटिक एनर्जी। इस पार्ट में यू बड़ा होगा के बड़ा होगा, इसमें फिर जीरो हो जाएंगे, यू बड़ा के भी बड़ा, जीरो जीरो, यू बड़ा के बड़ा, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। हां, अगर कोई सिंपल हार्मोनिक वेव है ता उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और उसी समय उस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन सिंपल हार्मोनिक वेव के अलावा और किसी वेव के लिए हम ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मीन पोजिशन पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ये मीन पोजिशन पर है, एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो एनर्जी एक्चुअली पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही, स्लोप पर डिपेंड कर रही है, स्लोप देखना है। अब वो अलग बात है कि सिंपल हार्मोनिक वेव में सबसे ज्यादा स्लोप कब होता है, जब मेन पोजीशन हो, यहां पर मेन पोजीशन है, इस जगह पर सबसे ज्यादा स्लोप है, ठीक है, नोट कर लें इसको। इसके बाद है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे हमने SHM का सुपरपोजिशन किया था कि एक पार्टिकल दो SHM हो रहे हैं उसके, ठीक है, तो दोनों उसका फिर इफेक्ट क्या हुआ, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट उसमें दिखाई दिया, वैसे ही दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो सकता है। अब उसका मतलब क्या है, सपोज ये कोई पार्टिकल है, एक वेव यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, दो वेव इस जगह पर आ रही, अगर ये अकेले आती तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको वाइब्रेट कराती, अकेली वेव आती अपने अकॉर्डिंग इसको वाइब्रेट करा, दोनों आएंगे तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इसमें दिखाई देगा, उसको कहेंगे हम सुपरपोजिशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज यहां पर पानी भरा है,
ठीक है, किसी टैंक में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, हमने दो पत्थर ऐसे रिलीज कर दिए, दो पत्थर रिलीज करेंगे, जहां पर वो पत्थर गिरेंगे वहां से वेव्स जनरेट होंगी, ऐसे रिपल्स जनरेट होंगी, कुछ देर के बाद वो आपस में टकराने लगेंगी, तो बीच में अगर कोई पॉइंट देखें वहां पर इसकी और इसकी दोनों रिपल्स पहुंच रही होंगी, और वहां पर जो हमें इफेक्ट दिखाई देगा वो कंबाइंड इफेक्ट दिखाई देगा, वो उन दोनों के सुपर पोजिशन का इफेक्ट होगा। तो सुपर पोजिशन का मतलब है दो वेव्स आकर अपना इफेक्ट दिखाए, कंबाइन होकर अपना जो इफेक्ट दिखाएंगी वो दो वेव्स का कॉम्बिनेशन सुपर पोजिशन है। ठीक है, इंटरफेरेंस भी उसको कहते हैं। अब सुपर पोजिशन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ने y1 डिस्प्लेसमेंट कराना चाहा, दूसरे ने y2 कराना चाहा तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। ऐसा कब कह सकते हैं, जब उनका एम्पलीट्यूड, वेव्स का एम्पलीट्यूड वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा हो। अगर वेव ऐसी है ना, बिल्कुल स्केल से हमने इसका डायग्राम बनाया और स्केल से बनाने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा, सपोज ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों कंपेरेबल हैं एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है इसकी, 10, एम्पलीट्यूड है 5, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ कंपेरेबल हैं, तो इस केस में जो सुपरपोजिशन का फॉर्मूला होगा वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो वो सुपरपोजिशन हमें नहीं करना है, हम क्या कह रहे हैं कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बहुत छोटा है वेवलेंथ के कंपैरिजन में, ये भी हमने काफी बड़ा बना दिया है। ठीक है, इससे भी और छोटा, ऐसे समझे कि 100 सेंटीमीटर वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, तो इस तरह की जो वेव्स हैं उनमें हम ऐसा कह सकते हैं y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, a वन प्लस ए टू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कब है ये, जब a वेरी वेरी लेस देन लैम्डा हो, तब। इससे पहले जो हमने सिंपल हार्मोनिक वेव की एनर्जी लिखी वो एनर्जी का फॉर्मूला भी कब वैलिड है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू भी कब वैलिड है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी तक ये तीनों बातें वैलिड रहेंगी, वेव के जितने भी फॉर्मूले हम यहां पर लिख रहे हैं वो सारे तभी वैलिड है जब ये सब, ये चीज वैलिड है। ठीक है, अब बनाने को तो वेव हम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन वैल्यू वाइज ये बहुत छोटा होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा लेमडा के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, वो अलग बात है कि हम उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके बनाएंगे। और कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें एम्पलीट्यूड हमें वेवलेंथ के कंपेरेबल दिया हो और कहा जाए कि इन दोनों का सुपरपोजिशन करो, हम इनको अप्लाई कर देंगे, पर कभी कॉन्सेप्चुअली हमसे पूछा जाए कि ये कब वैलिड है तो वो वैलिडिटी के लिए जो कंडीशन है वो हमें मालूम होनी चाहिए। नोट कर लें इसको, फिर क्वेश्चन लेंगे। अब यहां पर हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में दो वेव है, वन और टू, इन दोनों का हमें सुपरपोजिशन करना है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो, नहीं तो हम टेबल बना सकते हैं। तो मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं,
0, 1, 2, 3, 4. First wave, second wave और 1 plus 2. दोनों का superposition. 1 को देखें. 0 पर 1 की value कितनी है? 0. फिर यहाँ पर कितनी है? 1, 1, 1, 0. 0, minus 1, 0, 1, 0. ऐड कर दें. 0, 0, 1, 2, 0. अब इसको ड्रॉ करें. सबसे पहले कितना है? 0 है. दूसरा पॉइंट 0 है. तीसरा पॉइंट 1 है. फोर्थ पॉइंट 2 है. और फिर 0. इनको मिला दें. ये 1 plus 2 इनका सुपरपोजिशन होगा. हम चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं. 0 plus 0, minus 1, 1, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2 और 0 plus 0, 0. चाहें तो यहीं पे ऐड कर सकते हैं. हम चाहें तो दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसमें मुश्किल हो तो इस तरह से टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं. नोट कर लो इसको. तो यहां पे फिर से हमें दो वेव दी हैं. इनका हमें सुपरपोजिशन करना है. तो मैं डायरेक्ट अब इसमें सॉल्व कर रहा हूं. 0 प्लस 1, 1, 0.5 प्लस 1, 1.5, 0 प्लस 1, 1, 1 माइनस 1 प्लस 0.5, माइनस 0.5, 0 माइनस 1, माइनस 1. तो इसका जो सुपरपोजिशन होगा वो ऐसा होगा. a प्लस b, ये इसका सुपरपोजिशन होगा. नोट कर लें इसको. अब यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. इस क्वेश्चन में भी हमें दो वेव का सुपरपोजिशन करना है. लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि 2 पर बहुत सारी वैल्यू है. तो इसको कैसे सॉल्व करें? बाकी सारे पॉइंट तो बड़े आसान हैं, लेकिन 2 थोड़ा सा नया है हमारे लिए. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम a b 0 1. अब 2 पर क्या करें? 2 पर हम दो बार सॉल्व करेंगे. 2 से जस्ट पहले उसकी वैल्यू देखेंगे और 2 के जस्ट बाद भी उसकी वैल्यू देखेंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 पर सडनली वैल्यू चेंज हो रही है. तो 2 पर सडनली वैल्यू चेंज हो रही है तो 2 के जस्ट पहले भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2 के जस्ट बाद भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो उसको हम ऐसे डिनोट कर दें. 2 माइनस 2 प्लस, 2 के जस्ट पहले, 2 के जस्ट बाद, 3, 4. बाकी सब तो हो जाएंगे. 0 पर कितना है? a की वैल्यू देखें, माइनस 1. 1 पर माइनस 0.5. 0, 0, 2 के जस्ट पहले भी 0, 2 के जस्ट बाद भी 0. 3 पर 0.5, 4 पर 1. b की वैल्यू देखें, 1, 1, 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1. ये वैल्यूज आ गई. ऐड करें इनको. 0, 0.5, 1, माइनस 1, माइनस 0.5 और 0. मार्क करें. 0 पर 0, 1 पर 0.5, 2 से जस्ट पहले 1,
2k just bad, minus 1, 3 per minus 0.5 और 4 per 0. ये points आगे, इनको connect करें. ये इसका आंसर होगा. इस तरह से ये वेव बनेगी. नोट कर लें इसको. कौन सी वेव है ये? A plus B. यहां पर हमको एक क्वेश्चन दिया है. इसमें दो वेव्स दी हैं, A और B. A उधर जा रही है, B इधर आ रही है. इनका सुपरपोजिशन बताना है t is equal to 2 सेकंड पर. तो t is equal to 2 सेकंड पर ये 2 मीटर आगे पहुंच जाएगी और कुछ ऐसी हमको दिखाई देगी, और B यहां पर पहुंच जाएगी और कुछ ऐसे दिखाई देगी. तो 2, 3, 4, 5, 6 में ये दिखाई देगी. अब इसको हम यहां पर बना रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6. ये दो वेव हैं. सबसे पहले इनके पोजीशन का सुपरपोजिशन करें. 0 0 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0. A plus B. A. B. तो स्ट्रिंग का शेप तो ऐसा स्ट्रेट दिखाई देगा. मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों वेव गायब हो गई. दोनों ने सुपर इंपोज होके ऐसा हमें दिखाया कि दोनों गायब हो गई. ये कुछ एनर्जी लेकर आई थी अपने साथ. ये कुछ एनर्जी लेकर आई थी अपने साथ. एनर्जी कहां गई? ठीक है, तो ये हमें देखना है कि वो एनर्जी गई कहां. एनर्जी तो होनी चाहिए. तो अगर ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई. ये पक्का है. क्यों? क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है. अब हमें ये देखना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है. जो स्लोप वाला बात हमने कही थी वो तो ट्रैवलिंग वेव के लिए कही थी. अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कोई अकेली ट्रैवलिंग वेव नहीं है, दो ट्रैवलिंग वेव है ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट था वो हम यहां पर नहीं लगा सकते कि स्लोप ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, स्लोप कम तो एनर्जी कम. यहां पर हमें उससे बेसिक पॉइंट पर जाना पड़ेगा. पोटेंशियल के लिए डिफॉर्मेशन देखना पड़ेगा और काइनेटिक के लिए वेलोसिटी देखनी पड़ेगी. तो पोटेंशियल तो जीरो दिखाई दे रही क्योंकि डिफॉर्मेशन जीरो है. अब वेलोसिटी का सुपरपोजिशन करें. रेड वाली वेव इधर जा रही है और वायलेट वाली वेव इधर जा रही है. ठीक है, रेड वाली वेव उधर जा रही है, इसका मतलब ये सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं. ये सब जीरो और ये सारे ऊपर जा रहे हैं. वॉयलेट इधर जा रही है, ये नीचे जाएंगे. ये ऊपर जाएंगे. जब दोनों सुपरपोजिशन होंगे, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, तो वेलोसिटी वेक्टर और बड़े हो जाएंगे. इस तरह से ये वेलोसिटीज होंगी. तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कहां पर चली गई? सारी
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो इस इंस्टेंट पर जो भी एनर्जी वेव के पास है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो हो गई और स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट होगी। फोटोग्राफ लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कोई वेव नहीं है, लेकिन वहां पर वेव प्रेजेंट है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों वेव और ट्रेवल करेंगे तो वापस से हमें पैटर्न दिखाई देगा, वापस से ये शेप दिखाई देगा, क्योंकि इससे 2 सेकंड पर तो ये हो रहा है और इससे 2 सेकंड के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आए वैसे ही निकल जाएंगे वापस से अपने शेप में आकर, ठीक है, ऐसे क्रॉस हो जाएंगे। जितनी देर वो एक दूसरे से क्रॉस होंगे उतने देर उनका शेप डिफॉर्म होगा और बाद में वापस से अपने शेप में आ जाएंगे। अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब वापस से वेव जनरेट कैसे होगी, यहां पर हमें ऐसा लग रहा है वेव खत्म नहीं हुई है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि जब रस्सी स्ट्रेट हो गई तो वापस से ये शेप कैसे बनेंगे, तो वापस से ये शेप बनाने का काम करेंगी ये वेलोसिटीज, वेलोसिटीज है, ये वेलोसिटीज इन पार्टिकल्स को ऊपर ले जाएंगी और ऊपर ले जाकर वापस से वेव बनाएंगी, ठीक है। तो ये वेव खत्म नहीं हुई है, वेव डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वेव यहां पर मौजूद है, दोनों वेव मौजूद हैं, उनका इफेक्ट वेलोसिटी के फॉर्म में है जो आगे वापस से वेव जनरेट करेगा। नोट कर लें इसको।